हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हाफ मेजरमेंट कप से बाउल में दूध डाल देंगे। दूध बॉयल किया हुआ है और बॉयल करके ठंडा किया हुआ है और इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे और थोड़ा इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और साइड में रख देंगे। अब इस जार में 2 राइप बनाना बड़े बड़े काट लेंगे। और इसके अंदर 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे। 1/2 मेजरमेंट कप से ऑयल यूज़ करेंगे। आप ऑयल नॉर्मल भी डाल सकते हो और ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसको मिक्सी के अंदर अच्छी तरह प्यूरी बना लेंगे। बनाना की अच्छी तरह प्यूरी कर ली है, अब इसको एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। अब इसमें छलनी लगा देंगे और इसके अंदर मेजरमेंट कप से 1 1/4 कप आटा लिया है, क्योंकि आटा मैदे की बजाय बहुत हेल्थी होता है तो मैदा नहीं लेके मैंने आटा लिया है। अच्छी तरह छान लेंगे आटे को। ये 1/4 कप आटा, अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और अच्छी तरह छान लेंगे। अच्छी तरह छान लिया है, बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, जो दूध और विनेगर था उसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें जिसमें मैंने बनाना प्यूरी बनाई थी उसके अंदर थोड़ा दूध डाल के इसमें ऐड करेंगे। तो करीब 1/4 मेजरमेंट के कप से दूध है तो दूध इसके अंदर ऐड कर दूंगा और थोड़ा मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह विस्क करना है। उससे क्या होगा, जो बैटर है अच्छी तरह सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा, तो हमारा जब केक बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो अब कढ़ाई को गैस पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और गैस फ्लेम मीडियम है। अब इसके अंदर मैं स्टैंड रखूँगा और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तब तक मोल्ड के अंदर ग्रीस कर लेते हैं। मोल्ड आपके पास अगर राउंड है तो राउंड यूज़ कर लीजिए, अगर आप उसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जैसा भी शेप है कोई भी शेप में हो नो प्रॉब्लम आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि केक इसके अंदर चिपके नहीं। मैंने
नॉर्मल पेपर का बटर पेपर बनाया है, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर अभी है नहीं, तो आप नॉर्मल पेपर से भी बटर पेपर बना सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, अब मैंने पेपर रख दिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल कर देंगे, ऑयल से ग्रीस, तो हमारा ये बटर पेपर बन जाएगा। अब मिक्सचर में 1/4 मेजरमेंट कप से चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब मोल्ड के अंदर डाल देंगे। सारा बैटर मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब मोल्ड को थोड़ा इस प्रकार अप डाउन इस प्लेटफॉर्म पे प्रेस कर लेंगे, ताकि कहीं एयर है तो एयर निकल जाए और हमारा केक एकदम परफेक्ट बने। तो कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई के अंदर बेक होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह गर्म है, अब केक को कढ़ाई के अंदर बेक होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई पर ढक्कन लगा दिया है, अब केक को 40 से 50 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक होने देंगे। बेक करते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं, अब ढक्कन हटा देंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हो नाइस कलर। अब इसको चेक करने के लिए मैं नाइफ से चेक करूंगा बीच में, या आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकला है, इसका मतलब केक अच्छी तरह बेक हो चुका है, कोई इसका गीला बैटर नहीं निकल रहा है, तो इस परफेक्ट है। अब गैस में स्विच ऑफ कर दूंगा और थोड़ा इसी कढ़ाई के अंदर ठंडा होने के बाद निकालूंगा, अभी थोड़ा गर्म है। केक को कढ़ाई से निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है, अब नाइफ से साइड से घुमा देंगे, अगर कहीं स्टक है तो वो निकल जाए। केक को अब मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। अब केक का बटर पेपर निकाल देंगे, आप देख सकते हैं सो नाइस स्पॉन्जी। अब इसको दूसरी प्लेट में अरेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।